तो सभी को जय हिंद कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे फर्स्ट क्लास होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को तो एफ कैट के लिए सेशन है हाँ मेरी क्लासेस रैंडम हो रही हैं लेकिन आप लोगों के लिए क्या करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ये डिफेंस करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन देखो एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई है अस्त्र शक्ति ठीक है इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अस्त्र शक्ति ये अस्त्र शक्ति के बारे में ध्यान रखेगा ये आंध्र प्रदेश में हुई थी और इसमें खास बात ये था कि जो हमारी आकाश एयर डिफेंस जो है ना हमारी इसने एक साथ इसने एक साथ आपके कितने टारगेट को एंगेज किया था फोर टारगेट को एंगेज किया गया था ठीक है ये लास्ट ईयर हुई थी या इस ईयर की स्टार्टिंग में हुई थी मेरे को कंफर्म नहीं है इसी तरीके से वायु शक्ति ये अभी होने वाली है जिस दिन आपका एग्जाम होगा एफकेट का उस दिन ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी तो इसको कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा देखो जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है वो ओपन एरिया में की जाती है क्योंकि जिसमें हम कारपेट बॉर्मिंग टारगेट डिस्ट्रॉय करा जाता है तो इसके लिए जो परफेक्ट प्लेस होता है वो आपका क्या होता है जैसलमेर है ठीक है वो आपका क्या है जैसलमेर तो यहाँ पर ध्यान रखेगा आपका ये पोखरण जैसलमेर में और ध्यान रखिएगा एट ऑफ अक्टूबर ओके एट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड 23 को 2023 को जो इंडियन एयरफोर्स डे बनाया गया था वो इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड इस बार आर्मी डे और एयरफोर्स डे दोनों उनकी सेंट्रल कमांड में जिनको ऑर्गेनाइज किया गया है ओके चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो ये कहां पर हुआ है आपका पोखरण एयरक्राफ्ट जिसमें राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज किया जाएगा यूज किया गया था किया जाएगा ओके इसमें आपके कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे राफेल जो हमारा अभी एडवांस वर्जन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जेगवर ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है मिराज जो है टेक्टिकल एयरक्राफ्ट है हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट सु, 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 सुखोई थर्टी मार्क वन ये हमारा एयर सिक्योरिटी एयर फाइटर एयरक्राफ्ट है अपाचे जो है आपका अटैक हेलीकॉप्टर है और इसी में ही परचेंट भी आपका पार्टिसिपेट करेगा और ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हो दिस इज मिग ट्वेंटी अभी जम्मू कश्मीर में इसको डिप्लॉय किया गया है ये आपका डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का ओके अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से मेरे ख्याल से चौतीस हजार करोड़ रुपए ठीक है फोर अराउंड पूरा अगर देखा जाए तो थ्री पॉइंट एट एफ एस फोर बिलियन डॉलर की डील की गई है जिसमें एम क्यू नाइन बी स्काई ड्रोन ओके स्काई गार्जियन ड्रोन इंडिया परचेज करने वाला तो ये कितने ड्रोन परचेज करेंगे थर्टी वन थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हु, नहीं नहीं वो सही था दिव्यांग मैंने तुम्हारा कमेंट देखा था चलो आगे बताओ उसमें जो ब्लू है वो ऑस्ट्रेलिया को ही तो बता रखा था मैंने चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो द यू एस स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव हाउ मैनी एम क्यू नाइन बी दोबारा करा दूंगा उस क्वेश्चन को डू नॉट वरी एम क्यू नाइन बी स्काई गार्जियन ड्रोन टू इंडिया तो बताओ कितने ड्रोन परचेज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा थर्टी वन ड्रोन परचेज कर रहे हैं जिसमें से फिफ्टीन फॉर इंडियन नेवी इन थर्टीन ड्रोन में से आपका फिफ्टीन जो है आपका नेवी यूज करेगी क्योंकि नेवी के पास बहुत बड़ा एरिया होता है सर्विलांस करने के लिए और बाकी के जो एट ड्रोन्स है ये आपका आई ए एफ इंडियन एयर फोर्स और आर्मी को दिए जाएंगे ठीक है तो टोटल आपके थर्टी वन ड्रोन्स है तो यू स्टेटमेंट स्टेट स्टेट डिपार्टमेंट आपका सेल जो है वो थर्टी वन आर्म्ड एम क्यू नी रेपन ड्रोन्स की और ध्यान रखिएगा इसमें हेल्थ फायर मिसाइल्स होती हैं ध्यान रखो और ये सर्विलांस और अटैक दोनों का एक काम करता है वैसे इंडिया एक अपना और बना रहा है और ध्यान रखो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स एट और नेवी गेट फिफ्टीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सदा क्या है विच कंट्री इज सेट टू कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा स, सदा तनसीक ओके सदा तनसीक देखो इस बार ना काफी पहली पहली एक्सरसाइज हुई है देखो अगर 2023 की मैं बात करूं 2023 में Uh, जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे एज ए चीफ गेस्ट इंडियन इंडियन रिपब्लिक डे पर तो तब एक साइक्लोन एक्सरसाइज की गई थी ये फर्स्ट टाइम तब की गई थी इस बार दूसरी बार की गई है ठीक है फिर 2024 में ठीक है 2024 में आपका एक यूएई के साथ पहली बार हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन ठीक है जिसका नाम क्या है डेजर्ट साइक्लोन फिर आपका ये एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन फिर में ही एक हमने नेवल एक्सरसाइज करी किसके साथ थाईलैंड के साथ ठीक है थाईलैंड के साथ जो हमने नेवल एक्सरसाइज करी है इसका नाम है आयुथिया आयु ये नेवल एक्सरसाइज पहली बार हुई है और देखिए एक है अल, -मोहिद, अल हिंदी अल, -मोहिद, अल हिंदी ये नेवल एक्सरसाइज है सऊदी अरेबिया के साथ 2020-20 में ये पहली बार की गई थी और अब सदा तस्गी हमारी सऊदी अरेबिया के साथ पहली क्या है आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज है क्या है पहली आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी है तो ये आपका कहां पर है ये आपका राजस्थान में आपका महाजन एयरफील्ड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो इंडिया में जो नेशनल इनकम है उसको किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है तो नेशनल इनकम को जो प्रिपेयर किया जाता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको प्रिपेयर किया जाता है यानी सी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट किया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देखो ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर जो है ना 2385 किलोमीटर है और इंडिया के एट स्टेट स्टेट से ये पास ऑन होती है कितने स्टेट से पास ऑन होती है एट इसमें आपका गुजरात आता है सबसे पहले देन आपका राजस्थान देन आपका मध्य प्रदेश देन आपका छत्तीसगढ़ उसके बाद आपका झारखण्ड देन आपका वेस्ट बंगाल और आपका उसके बाद क्या आता है वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और आपका मिजोरम आता है लेकिन उड़ीसा इसका पार्ट नहीं होता ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा विल बी दी आंसर क्योंकि आपका ये गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम ठीक है इन एट स्टेट से पास ऑन होता है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी से उड़ीसा से पास नहीं होता है ओके okay, तो एक गलती मत कर देना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फेदोमीटर फेदोमीटर में आपका यूज किया जाता है अल्ट्रा सोनिक वेव्स का यूज किया जाता है या एक तरीके से कहें सोनार पर वर्क करता है और ओशियन की जो डेप्थ है वो हम किससे मेजर करते हैं फेदोमीटर से ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर और विंड स्पीड को हम मेजर करते हैं मीटर से ओके और ध्यान रखो अर्थक्वेक को हम किससे हम मेजर करते हैं ओके okay? अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है इंस्ट्रूमेंट सेमग्राफ होता है इसका जो अर्थक्वेक के स्केल दो होते हैं स्केल यानी पैमाने अर्थक्वेक के स्केल दो होते हैं एक होता है आपका मर्सिली एक आपका कौन सा होता है मरसी ली ये मर्सली स्केल से हम जो है ना अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं किसको मेजर करते हैं अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और एक होता है रिक्टर और रिक्टर स्केल पर हम की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं किसको इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम इसको मेजर करते हैं तो ये जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा हु हुईडेड ओवर दी इनैुरल सेशन तो इनैकुरल सेशन आपका जो हुआ था वो नाइन्थ ऑफ डिसम्बर नाइनटीन को हुआ था और इसमें आपका जो है नॉन परमानेंट चेयरमैन को चुना गया था जो कौन थे डॉक्टर एस सचानंद सिन्हा थे क्या बात भाई कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं थक गए हम्म थक गए हो क्या किसी का कमेंट ही नहीं आ रहे चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक अभी तक 106 टाइम्स क्या हो चुके हैं चेंजेस हो चुके हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में ये अमेंडमेंट प्रोसेस दिया गया है और ध्यान रखेगा ये अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ये हमने कहाँ से लिया है वी हैव बोरोड फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका हमने इसको कहाँ से बोरो करा है साउथ अफ्रीका से बोरो करा है भाई सभी लोग एंथिक नहीं रहे यहाँ पर एकदम ही बहुत कम स्टूडेंट है चलो अगला क्वेश्चन नेशनल फ्लैग तो नेशनल फ्लैग जो, 22, जो है 22nd ठीक है 22nd ऑफ जुलाई 1947 को ठीक है नेशनल फ्लैग जो है 22nd ऑफ जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट करा था ओके ओके क्या करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट करा था तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाईस जुलाई नेशनल फ्लैग डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ओके नेशनल फ्लैग डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साउंड वेव देखो आपकी जो वेव्स होती है ना यानी तरंग ये आपकी दो होती हैं आपको पता है एक होती है मैकेनिकल वेव्स ठीक है और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स ठीक है मैकेनिकल वेव्स आपका मीडियम पर डिपेंड करती हैं किस पर डिपेंड करती हैं मीडियम मतलब मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं करेगा और इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका साउंड वेव्स होती है ठीक है नॉन मैकेनिकल वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है तो साउंड वेव आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है साउंड वेव आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वट डज़ एन एयर कंडीशन स्टॉन्ड इन ए रूम कंट्रोल तो एयर कंडीशनर जो होता है ए सी जो होता है वो आपका रूम में क्या कंट्रोल करता है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ओनली प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली टेम्परेचर ओनली ह्यूमिडिटी प्रेशर देखो आपका एयर कंडीशनर का तो प्रेशर से तो कोई मतलब नहीं होता तो जहाँ पर आपको प्रेशर दिखे तो वो नहीं होगा और एयर जो ए सी होता है वो दरअसल जब आपका हुमस उमस ज्यादा हो जाते है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब ज्यादा उसको वर्क करता है तब उसमें से वाटर भी होता है। तो जो है आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ठीक है कंट्रोल करता है विच वन ऑफ दीवी रिमोट टीवी रिमोट हो या मैं ये स्विचर यूज कर रहा हूँ स्लाइड को चेंज करने के लिए ये यूज करता है आपका कौन सा कंट्रोल वैसे तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था आपका इंफ्रा रेड ठीक है इंफ्रा रेड होना चाहिए था ओके okay, यहाँ पर एक ये हो गया इंफ्रा रेड पर होता है माइक्रोवेव्स को हम ले सकते थे कि माइक्रोवेव इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि इनकी वेवलेंथ है इसको हम आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन ठीक है सेटेलाइट कम्युनिकेशन में हम इसको यूज करते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन में ठीक है तो यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स कॉजेज इर रिवर्सेबल डेमेज टू आइज द रेनेटल बर्न इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो जब आपका सोलर एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण होता है तब उसमें से हार्मफुल यूवी लाइट्स जो होती हैं वो आपकी आई को डैमेज कर देती हैं। वो आपकी आई को क्या कर देती हैं? डैमेज कर देती हैं। इस वजह से वो और वो कभी भी ठीक नहीं होता यानी आपको फिर थ्रू आउट योर लाइफ आपको स्पेक्स यानी आपको चश्मा वियर करना पड़ता है ओके रेडार जो है रेडार के फॉर्म जो, रे जो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ओके रेडार फुल फॉर्म जो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तो वो रेडियो वेव्स और ये रेडियो वेव्स कौन से होती है स्पेशली आपकी क्या होती है माइक्रोवेव्स जिनको हेनरी हेनरिच हर्ड्स ने डिस्कवर करा था और रेडार जो बनाया था ली सी यंग और एच टेलर ने बनाया था और लुइस निक्सन ने अल्ट्रासोनिक वेव्स पर आपका क्या बनाया था सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इनको हम सिग्नल्स और मैं यूज़ करते हैं सिग्नल भेजने के लिए फैदोमीटर भी इस पर वर्क करता है सबमरीन में में जो आपका वो नेविगेशन होता है वो भी आपका किस पर बेस्ड होता है सोनार बेस्ड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाटो इज नॉट करेक्ट नाटो का आपका क्या है देखो नेटो का जो है अभी इसमें थर्टी वन मेंबर हो गए हैं क्योंकि इसका लास्ट ईयर लेटेस्ट मेंबर बना फिनलैंड टर्की इसका मेंबर है और यूएस इसका एक्स ऑफिस क्योंकि यूएस से नहीं इसको स्टार्ट कर रहा था और ये एक कलेक्टिव डिफेंस है और इसमें आपका आ, क्या कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप इस यूरोप में नहीं है क्योंकि इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है ठीक है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है इसमें आपका अमेरिका भी आता है अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका कनाडा भी आता है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है बाकी सब इसके सही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग है क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड भी इसका पार्ट है ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है और इसका पार्ट आपका कनाडा भी है नॉर्थ अमेरिका भी है तो यूरोप को लेके पर्टिकुलर यूरोप को लेके नहीं है पूरा थ्रू आउट उसको है ओके हम्म ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ ईयर तो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है वो कौन से डे को की गई देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1919 1923 1945 आपका देखिए आपका 1945 को ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर किया गया आपका स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अब जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay, ओके okay, हाँ अभी हेल्पलाइन नंबर में लास्ट में मैं बताऊंगा आर एक्स वाई जेड ठीक है आप एक बार उस पर कॉल कर लीजिएगा मैं अभी लास्ट में शो करूंगा तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक पूरे वर्ल्ड की थ्रू आउट एक मेन बॉडी है अब इसकी कई सारी स्पेशलाइज एजेंसी है इसकी जो सबसे पहली स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी वो बनी थी आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हुई है फर्स्ट ऑफ मे 1919 को इसलिए एवरी ईयर फर्स्ट ऑफ मे हम सेलिब्रेट करते हैं किस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ मे हम सेलिब्रेट किस फॉर्म में करते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ओके इसको पहले इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन बोला जाता था ठीक है इसको क्या बोला जाता था इंटरनेशनल टेलीग्राफ एसोसिएशन इसको कहा जाता है कहा जाता था ये 1865 में बढ़नी है और ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी ये जो है यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी सेवनटीन ऑफ मे 1865 को आपका क्या बना इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पहले ये टेलीग्राफ यूनियन थी बाद में इसका नाम बदलकर टेलीकम्युनिकेशन कर दिया गया अच्छा जो लास्ट ईयर है ना 2023 को क्योंकि सैवंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन थ्री को इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल की फाउंडेशन की गई और सेवंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस सौ साल हुए हैं ना इंटरपोल के फाउंडेशन को तो इसको इंटरनेशनल डे फॉर पुलिस कोऑपरेशन डिक्लेयर करा है और इंटरपोल का जो हेडकोर्टर है वो कहाँ पड़ता है आपका लियोन लियोन कहां पर है आपका फ्रांस में पड़ता है लियोन आपका कहां पड़ता है फ्रांस में पड़ता है तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ओके okay. uh, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन आर्मी अरेन्ज लोकेशन ऑफ दब इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलो अब बॉल आपके पाले में है देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग आर्मी वॉर कॉलेज काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है इसका तो बहुत इजी है इसका तो आंसर आप मतलब ऑप्शन देख के आप एक मिनट में बता सकते हैं ठीक है तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वट विल बी दी आंसर हम्म दिस क्वेश्चन जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एनी आइडिया भाई हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल देखो जब भी सियाचिन में डिप्लॉयमेंट होती है ठीक है तो हमारी जो इंडियन आर्मी ने गुलमर्ग में एक बना रखा गुलमर्ग ओके गुलमर्ग में आपका क्या पड़ता है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इंडियन आर्मी का गुलमर्ग में अच्छा जंगल में जो लड़ाई है और काउंटर इंसर्जेंसी घुसपैठियों को मारने के लिए जो हमारी ट्रेनिंग की जाती है वो मिजोरम के वैरंगटे में की जाती है ठीक है गटे ठीक है ये है आपका इंडियन आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल फिर टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन ये भी इंपॉर्टेंट होता है अच्छा इन्फेंट्री स्कूल और आर्मी वॉर कॉलेज जिसमें यंग ऑफिसर्स को ट्रेंड किया जाता है ठीक है वो आपका मध्य प्रदेश के मऊ में यहाँ पर आपका क्या पड़ता है आपका आर्मी वॉर कॉलेज पड़ता मऊ में उसके बाद आपका ओके? उसके बाद आपका यहाँ पर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग आपका पड़ता तो इस क्वेश्चन को अगर देखें इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका सबसे पहले तो नंबर एक दो तीन चार यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर स्क्वाड्रन होती है उसमें कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं यानी इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन होती है टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ जो है इंडियन एयरफोर्स की 42 है लेकिन एट प्रेजेंट केवल 31 ही स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स के पास तो एक स्क्वाड्रन में कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं तो एक स्क्वाडन में आप ध्यान रखेगा 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ध्यान रखो सो so, तो एक इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये डिक्लेयर करा था कि टोटल सेक्शन स्टैंड तो हमारी 42 है अगर हमें चाइना और पाकिस्तान को साइमटेनियसली काउंटर करना है जिसमें अभी ऑपरेशनल हमारे पास थर्टी है फाइटर स्क्वाडन जो होती है जैसे आपका रेजिमेंट सिस्टम होता है आर्मी में उसी तरीके से FOS में होता है और एक टिपिकल फाइटर में आपका 18 फाइट है ये होते हैं ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज उग्रम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ तो उग्रम क्या है क्या एक एक रेडार है असॉल्ट राइफल है मिसाइल है या लाइट टैंक है डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो मिल बना रहे हैं एक लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर और उग्रम क्या है ए के फोर्टी सेवन जो आपका एक कारखाना बनाया गया था मैटी में रशिया की हेल्प से लेकिन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर उसमें काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं। ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर उसमें काफी आपकी क्या आ रही हैं? डिफिकल्टीज आ रही है तो इसी वजह से हैदराबाद के एक स्टार्टअप और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है इंडिया के लिए एक नया असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम मेक इन इंडिया स्क्रीम पे है और uh, कैलिबर का है तो आने वाले टाइम में इंडिया आर्मी इस इंडियन वेड uh, इंडियन मेड वेपन को हम यूज करेंगे उग्रम ये इंडिया की सेल्फ मेड आत्मनिर्भर भारत क्या है असोल्ट राइफल है नेक्स्ट क्वेश्चन इन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इंडियन आर्मी की फाइव रीजनल कमांड है ओके okay? और हेडक्वार्टर है जो नॉर्दर्न कमांड का वो लखनऊ है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ओके वो इस वजह से क्योंकि एक तो इंडियन आर्मी की जो कमांड है ओके इंडियन आर्मी की सेवन कमांड है अगर आप यहां पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कमांड है और इस बार जो उसके जो आर्मी डे है ना वो सेंट्रल कमांड में हुआ था और सेंट्रल कमांड कहाँ पड़ती है आपके लखनऊ में ठीक है सेंट्रल कमांड कहाँ पड़ती है लखनऊ में और यहाँ पर नॉर्दर्न कमांड लखनऊ में बता रखी है बल्कि नॉर्दर्न कमांड तो आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में पड़ती है एक ये एफ कैट में क्वेश्चन आया था आर्मी ट्रेनिंग कमांड ठीक है आर्मी की ट्रेनिंग कमांड आपकी यहाँ पर है आपका शिमला में पड़ती है और यहाँ पर सभी का आ, वो भी लिखा हुआ है आदर्श वाक्य जैसे आर्मी हेडक्वार्टर का सेवा परमोधर्म इंडियन आर्मी का मोटो है ट्रेनिंग कमांड का है माइंड ओवर मैटर नॉर्दर्न कमांड का है ऑलवेज इन कॉम्बैक्ट और सदन स, सदन वेस्टर्न कमांड जो जयपुर में है सर्वदा विजय भव वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर एवर वेस्ट वर्ल्ड सेंट्रल कमांड द एपिटॉम ऑफ एनर्जी ये इस बार का आर्मी डे का थीम भी था नेक्स्ट आपका है ईस्टर्न कमांड वॉरियर्स ऑफ द ईस्ट और कमांड का जो मोटो है सागा ऑफ कॉरेज वेलर एंड विस्डम वेलर एंड विस्डम तो आपका खैर किसका है आपका आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का भी है वीरता और विवेक ओके हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन द इंडियन आर्मी तो पहली फीमेल सूबेदार साहब बनी है तो ये बनी है प्रीति रज्जक ये एक ट्रैप शूटर है स्पोर्ट्स से है ओके ये एक ट्रैप शूटर है स्पोर्ट्स से है और ये आपकी क्या बनी है सूबेदार बनी है तो ध्यान रखेगा हवलदार प्रीति रज्जक ए डिस्टिंग्विश ट्रैप शूटर इन द इंडियन आर्मी हैज रीच हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बीइंग प्रमोटेड टू द एस्टीम्ड रैंक ऑफ सुबेदार ये आपका होते हैं हर प्रोमोशन मार्क्स ए ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट एजम फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन आर्मी टू होल्ड द प्रेस्टिजियस रैंक सिग्निफाइड नॉट ओनली हर पर्सनल अकम्पलिशमेंट बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट फॉर वुमेन इन द आर्म फोर्सेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब ये कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के मैं आपके लिए लेके आया हूं तो लेट्स प्रैक्टिस इट ओके सो हू वॉज दी डांडी मार्च तो गांधी जी ने दार्च करी थी नाइनटीन थर्टी में एंड एट दट टाइम दॉ लॉर्ड ओके उस समय कौन था लॉर्ड इरविन जो हमारा संविधान सदन दैट इज ओल्ड पार्लियामेंट उसका भी इनकोरेड इरविन ने ही करा था नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विच ऑफ दैटल कुन एज दी लिइंग दाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया तो भारत में जो ब्रिटिश राज की फाउंडेशन है उसकी स्टार्टिंग होती है बैटल ऑफ प्लासी ठीक है बैटल ऑफ प्लासी जो है 23rd ऑफ जून ओके 1757 ओके okay, 23rd ऑफ जून 1757 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ ये है हिस्टोरिकल इवेंट इनको आपको बताना है हिस्टोरिकल इवेंट गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 1931 ये आपका मार्च में हुआ था एंड दिस वाज हैपन इन सितंबर ईयर दोनों का सेम था पीजेंट मूवमेंट जो बारडोली की थी 1928 इसी में ही सरदार का टाइटल मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और आपका पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा ये गांधी जी की पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इंडिया में जो 1918 में हुई थी तो दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर थ्री वन टू ओके यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखिए आपका जो सबसे पहले बनी थी आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज की जो फाउंडेशन है वो कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी सिंगापुर में फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को कमांड करा तो उन्होंने इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी करा और फिर भारत की पहली फ्री गवर्नमेंट को रेज किया था कहाँ पर सिंगापुर में इसको रेज किया था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हु फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तावना उद्देश्य ये प्रस्तावना उद्देश्य जो है आ, आप इसे समझिएगा एक तरीके से सिलेबस था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए के सामने तो ये दिसंबर 1946 को नेहरू ने रखा था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन होंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं ऑप्शन में देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह जी वैसे आपका अटल बिहारी वाजपेयी है चौधरी चरण सिंह का खास इसलिए रहता क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर कभी पार्लियामेंट नहीं गए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन रियल बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन तो इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन की जो रियल बिगिनिंग होती है वो चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन से होती है कहाँ से होती है चार्टर एक्ट क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट टाइम वन लाख रुपीज वॉज ग्रांटेड फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन खुदाई खिदमत लाल किशन आडवाणी जी को भारत रतन से सम्मानित किया गया इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर 1987 में ये सबसे पहले जो नॉन इंडियन थे जिनको इस अवार्ड से डेजिग्नेट किया गया था वो खान अब्दुल गफार खान थे इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ये आप पी मेरे से ले लीजिएगा ठीक है इसमें आपको ये क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से को ज़रूर इससे पूछिएगा आई विल एक्सप्लेन अगर कोई भी डाउट हो इसकी पीडीएफ मैं 11 बजे तक अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन पे जो मेरा कम्युनिटीज का ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा तो ये सारे आपको पी मिल जाएगा और एफकेट के एग्ज़ाम में तो अब आपका एक महीने एक हफ्ता रह गया अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट की तो आप डिफेंस प्राइम टेस्ट पैक को यूटिलाइज़ कर सकते हैं आ, और जो सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफिसर्स ओ के लिए या आईएमए आईएनए और एफ के लिए तो ये बैचेस भी हमारे थर्टीन फेब से आपके शुरू हो रहे हैं तो इट विल वेरी बेनिफिशियल ओवरऑल और, और डिफेंस पैक लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है अगर आपको मेरे से बात करनी है ओके यू नीड इंक्वायरी गाइडेंस तो एटलीस्ट इस नंबर पे कॉल जरूर करें और इस पे आपको ना स्पेशल ऑफर भी अवेलेबल होगा ठीक है तो एक बार जरा टाइम निकाल के इस नंबर पर नाइन जीरो थ्री फोर सिक्स वन वन एट सेवन टू इस पे कॉल जरूर करेगा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर टू यू ओके हम्म पहले तो हिंदी सही से लिखो ना सर आप हिंदी तो सही से नहीं लिख रहे हो ठीक है और एफकेट का एग्जामिनेशन हिंदी में नहीं आता है और ध्यान रखेगा जितने भी ऑफिसर रैंक के आपका एग्जाम होता आर्मी नेवी एय फोर्स में इसमें आपका प्रेफरेंस में या आपके पास ओ एल क्यू में इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग होनी चाहिए ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मिस्टर मुनीश कुमार जी तो इस बाकी आपको ये पी के लिए क्या करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अड्डे ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर जाके अड्डेट ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें मैं मिलता हूं आपसे कल ठीक सुबह दस बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय थैंक यू वेरी मच सेशन को लाइक जरूर करेगा बाय बाय